मछुआरों और भूमिपुत्रों का राल्फ्स आंदोलन गरमाया, हक पाने के लिए 21 जनवरी से बंद करेंगे जेएनपीटी चैनल। हमारी लैंड, हमारा समुद्र, हमारा सब कुछ, फिर भी हमें वो लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जिएंगे या मरेंगे, अभी पानी में आंदोलन करेंगे। एफआईआर तो गवर्नमेंट और प्रशासन के अगेंस्ट में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। सागरी परियोजनाओं से प्रभावित हुए नवीमुंबई, रायगढ़ और मुंबई के मछुआरों ने 21 जनवरी से राल्फ मूवमेंट के बैनर तले जेएनपीटी चैनल को अनिश्चितकाल तक बंद रखने का ऐलान किया है। वासी में नवीमुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मछुआरा संगठन के डॉक्टर गजेंद्र भानजी, आगरी नेता राजाराम पाटिल समेत दर्जनों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अपनी जमीन देने के बाद भी मछुआरों और भूमिपुत्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वसन का कानून सरकार और अदालत के सामने मौजूद है, फिर न्याय और नुकसान भरपाई देने में हर्ज क्या है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक सागरी परियोजनाओं के खिलाफ राल्फ्स मूवमेंट जारी। तो हर जिले में, मुंबई हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, कहीं पर भी हो, अन्याय ही अन्याय होते जा रहा है। आज जेएनपीटी का भी क्यों आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है? हमारी लैंड, हमारा समुद्र, हमारा सब कुछ, फिर भी हमें वो लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आज जेएनपीटी में देखिए आप, गांव का गांव उठा रहे हैं, और क्या कहे के लिए, तो जेएनपीटी के जैसा और एक वो हार्बर बनाने का है। ये कौन सा न्याय, कौन सी सरकार है, और ये क्यों कर रहे हैं मछुआरों के अगेंस्ट में कार्रवाई? हम लोग तो ये तय किया है, जिएंगे या मरेंगे, अभी पानी में आंदोलन करेंगे, और जेएनपीटी के लिए हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, मांग मांग के हम भी थक गए, बूढ़े हो गए, अभी आंदोलन करेंगे, समुद्र में डूबेंगे या तो ऊपर आएंगे, और सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हमें कुछ न कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी बड़ी बड़ी जहाजें आएंगे, क्यों हमारे मछुआरों की जहाजें नहीं, बड़ी बड़ी शिप्स लेके आते हो और उनका बेनिफिट आप ही लेते हो। वी शुड बी द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। तो हम लोग नेचुरली रुकाएंगे, हमको रुकाने का क्या, ये नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे देश को आगे बढ़ना है, बढ़ते बढ़ते आगे हमारे लोकल लोगों को खत्म करना, ये तो कोई न्याय नहीं है। बताना जरूरी है कि राल्फ्स मूवमेंट का आगाज वासी खाड़ी पर चौथे पुल के निर्माण के खिलाफ प्रारंभ हुआ है। नवीमुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने कहा कि जहां जहां सागरी पुल और प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, हर जगह मछुआरों और भूमिपुत्रों की रोजी रोटी ध्वस्त की गई है, लेकिन आज तक उनका पुनर्वसन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब रायगढ़, नवीमुंबई, ठाणे और मुंबई के भूमिपुत्र और मछुआरे एकजुट होकर अधिकार की इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से जेएनपीटी का चैनल बंद करने का आंदोलन शुरू होगा, और जब तक सरकार नहीं जागती तब तक राल्फ्स मूवमेंट चलता रहेगा। इनका क्या कहना है कि हमारा इनके ऊपर हमारा हक है, अधिकार है, इसका मतलब राल्फ, ये राल्फ के माध्यम से, राल्फ मूवमेंट, ये राल्फ मूवमेंट के माध्यम से हम पर संगठित हो रहे हैं यार। और जितने प्रकल्प है यार, ये समुद्र में हो या जमीन में हो, जमीन में है तो हम सब उनका जो इंडस्ट्रीज का और रेसिडेंस का जो गंदगी है वो समुद्र में जा रहा है। इसका मतलब समुद्र का जो मछुआरा है वो ध्वस्त हो रहा है, और जमीन पे जिसका जमीन जा रहा है वो भी ध्वस्त हो रहा है। में अफेक्ट होने वाले हम सब यहाँ के भूमि पुत्र और सागर पुत्र, हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक अच्छा यूनाइटेड हो रहा है, ताकि हमारा सबके जो का जो हमारा पुनर्वसन है, हमारा जो रिहेबिलिटेशन है, ये सही ढंग से हो सके। और हमें भरोसा है कि आप अभी हिम्मत आ रहा है राल्फ मूवमेंट के माध्यम से। मुंबई में जो हमारे मार्केट्स है, फिश मार्केट है, वो फिश मार्केट के अंदर हम आ जाएंगे, फिर वर्सावा कोले वर्सावा बांद्रा ब्रिज हो या कोस्टल रोड हो, शिरको के प्रोजेक्ट हो, वाडोन बंदर हो, या वुरन करंजा जट्टी हो, या नैना हो, या विमानतल नेवाले विमानतल हो, हम सब जगह जाएंगे, सपोर्ट करेंगे और हिम्मत दे देंगे। बता दें कि राल्फ्स मूवमेंट यानी राइट्स ऑफ वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एंड सी का मकसद खाड़ी पर बन रहे पुल और अन्य परियोजनाओं के जरिए चल रही मनमानी को रोकना है।
रॉल्फ्स का कहना है कि खाड़ी किनारे के सभी प्रोजेक्ट सोशल इंपैक्ट असेसमेंट यानी सामाजिक प्रभाव का आकलन किए बिना ही तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर मछुआरों और सानी भूमिपुत्रों की रोजी रोटी और जमीन ध्वस्त हो रही है, जबकि नुकसान भरपाई नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।